गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर दोस्त हयात के चैनल में आपका स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे 7। मुझे आफिया और फर्जिन के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे 4 बैगन उबाला है, उसमें मैं उसका बनाऊँगी बैगन का भरता, और उसके साथ बनाऊँगी रोटी और रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद मैं बैगन का रेसिपी आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगी। अब मैं यहाँ पे चाय गरम कर देती हूँ, नाना के लिए चाय दे देती हूँ। चाय देने के बाद मैंने नाना के लिए यहाँ पे चाय गरम कर चुका है, उबाल आ चुका है। अच्छे से गरम करूँगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, ले जाते जाते ठंडा हो जाता है तो नाना गुस्सा जाते हैं, इसलिए मैंने और उबाल लगाया। यहाँ पे उबाल नहीं आ रहा था तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, अभी देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अब पूरे उबाल आ चुके हैं। अब मैं गिलास में सर्व करूँगी। यहाँ मैं गिलास के ऊपर छन्नी रखा, छन्नी में अब चाय डालूँगी। मेरा चाय थोड़ी सी गिर भी गई लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, गिरता है। मैंने एक हाथ से वीडियो बनाया, एक हाथ से ये डाला, इसलिए मैं थोड़ी सी चाय गिर गई। अब मैं तस्किन को देती हूँ कि ये नाना के लिए सर्व कराए, नाना को दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। मैंने बताया था कि बैगन के भरते के साथ मैंने रोटी बनाई है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे रोटी मैं बेल के मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं लोई लूँगी, मैंने रोटी एक रख दिया है और उसको इस तरह से हाथ से हिला देंगे ताकि ये सटे ना और अच्छे से पक जाए। मैं गैस का फ्लेम जो बड़ा किया है। यहाँ पे मैंने चना का तड़का बनाया जो खा के जाएगी, और बैगन का भरता और रोटी टिफ़िन में ले जाएगी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने रोटियाँ रख दिया है। रोटियाँ मेरी अच्छे तरीके से सीख गई थी पहली रोटियाँ, इसलिए मैंने दूसरी रोटियाँ डाली है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा याद से। और मेरा रोटी बन गया है, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे फुलाया है। और आपकी रोटी अच्छे से फूल जाए तो समझ जाएगी कि आपका रोटी अच्छे फूल हो चुके हैं। मेरा रोटी अच्छे से फूल गए, मैं पक यानी कि जो भी रोटी अच्छे से पक जाते हैं यानी कि वो फूल भी जाते हैं। यहाँ पे आप दिखाती हूँ कि शादाब का नाश्ता। यहाँ पे एक रोटी, एक प्याज का पीस, एक मूली का पीस, दो पपीता और थोड़ी सी दाल, एक गिलास पानी लेके शादाब नाश्ता कर रहा है मज़ा से, और बहुत अच्छे लग रहे हैं उसको नाश्ता। ठंडी का मौसम है तो नीचे बैठ के खा रहा था, मम्मी ने बोरा बिछा दिया। यहाँ पे अलीना रो रही थी। अलीना का रोना आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे अलीना जोर से रो रही थी और पपीता के लिए इशारा भी कर रही थी कि उसमें पपीता रखा हुआ है देने के लिए, लेकिन मम्मी नहीं दे रही थी क्योंकि मम्मी गुस्सा रही थी कि उसको सर्दी हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर मैं चलती हूँ अरशद की तरफ। यहाँ पे अरशद है, अरशद जो खेल रहा है, नस भी खिला रहा है उसको। मैंने कैमरा लेके उसके साथ आया तो वो रोने लगा। थैंक यू।